हुए थे, दर्ज किया गया था एडी की तरफ से, आज उसके जमानत मिल गई। तो ये केस क्यों बना था और क्या वजह, जमानत मिल गई क्या कहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है, विश्वास है। और ये केस ये था कि एक अधिकारी खुलेआम बोल रहा था कि मैं बाबा जी का इस्तेमाल करके स्पेन में जितेंद्र आवाड़ की बेटी को मार डालूंगा, उसका जीव जवाई अगर नहीं मिलता है तो उसके घर के नीचे कांड कर दूंगा, तो भागते हुए घर आ जाएगा, तो एयरपोर्ट से थाना तक फील्डिंग लगा के उसको भी ठोक दूंगा। मेरी क्या दिन की कमाई 40 लाख रुपया है, 20 लाख बांटता हूं। ऐसे बहुत बहुत बातें की है उसने। आपको ही धमकी दी कि आपके परिवार को भी धमकी? उसमें उसने कहा है कि ये नाग है, ना नाग क्या बोलते हिंदी में, साफ सांप है, इसको पहला उछलना चाहिए। उछलने का मतलब यानी वो सबको मूली समझता है, कोई खेती मूली रहती है ना, उस अधिकारी को बैकग्राउंड ही नहीं है। वो 11th फेल है, 12th पास का झूठा सर्टिफिकेट लगाया है, सिक्किम यूनिवर्सिटी का झूठा सर्टिफिकेट लगाया है। मैंने उसके खिलाफ ये अर्जी डाल दी थी, जब उसको पता चला तो उसने मेरे दोस्त मनोज प्रधान को बोला के जाके अवार्ड साहब को समझाओ, मेरे पीछे मत लोगो, मेरी 2 बच्चियां हैं। मैंने बड़े दिल से सिक्किम में उसका पीछा छोड़ दिया, नहीं तो सिक्किम में तैयार हो गया था रिकॉर्ड कि ये झूठी है। अब उसने 30-40 लाख रुपया सिक्किम में भेजा है कि कोई भी इंक्वायरी आएगी तो बोलना कागज ही नहीं है हमारे पास, घूम गए। ये इसका बैकग्राउंड है। ये तो पैसे ऐसे फेंकता है कि जैसे उसके घर में प्रिंटिंग प्रेस है। कोई आएगा 2 लाख, कोई आएगा 4 लाख। जो ये आदमी 1 स्क्वायर फीट का 200 रुपया रहता हो और आज थाना में कुछ नहीं तो कुछ कम से कम 10 लाख स्क्वायर फीट का काम चालू है, इसके आशीर्वाद बिना कोई भी काम नहीं होता है। मैं बोलता हूं, आमदार होते हुए अपना कमिश्नर फोन करता है कि ये बिल्डिंग तोड़ो, और ये अधिकारियों को बोलता है बिल करो मत, मैं हूं। यानी कमिश्नर थाना का दूसरा कोई नहीं है, कमिश्नर यही है महेश आहिर। मैं उनको दोष नहीं देता, पुलिस कमिश्नर हो या म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, क्या करेंगे जब स्वयं मुख्यमंत्री ही फोन करते हैं तो क्या करेंगे वो। पर खास करके पुलिस अधिकारियों से यह है कि तुम आईएएस ऑफिसर इधर भारत का चिन्ह नहीं लगाते, आप भारत का चिन्ह लगाते, भारत के संविधान के प्रति आपने शपथ ली है, कम से कम कभी तो दिखाओ कि तुमको क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है। आज मेरे ऊपर 307 ये गुना मेरे ऊपर क्यों लगा है? ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग भी उनके पास ही आई, उन्होंने ही सुना। और मेरा जब से राजनीति में मैं आया हूं, मेरा घर कार्यकर्ताओं के लिए आम घर होता है। आप किधर भी जाओ, कहां भी जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कोई पूछता नहीं उनको। अच्छा मेरी बीबी हो बच्ची हो सबका ऐसा, मेरे बीबी का हर एक से रिश्ता रहता है, जब उनको जरूरत पड़ती है, बीमार रहते हैं, उनके घर पे जाना आना चलता ही रहता है उसका। और मेरी बच्ची तो हंसी मजाक करके उनसे, उसका कोई राजनीति से संबंध ही नहीं। वो तो ना कभी मोर्चे में आती है, ना कभी घोषणा देने आती है, ना कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आनी आती है। उसने साफ मेरे को कह दिया है कि मुझे राजनीति में आना ही नहीं है, मेरे को मेरा आप ख्याल ही मत करो, और मैं भी उसको लाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ हूं। आपकी जमानत होगी बाकी कार्यकर्ताओं पर? अभी सोमवार को है उनका कार्यकर्ताओं की जमानत। आपने जो कंप्लेंट दी और पैसे का जो वीडियो मिला आईएएस के ऑफिस में, उसकी अभी तक जांच उसके करके, ऊपर जबकि कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस ने भी उस पे उसके आवाज ऊपर कुछ नहीं। अरे खुलेआम वीडियो दिख रहा है, वो पीए, वो क्या है उसका पीए दिख रहा है गिनते हुए नोट, और क्या पुरावा चाहिए आपको? कोई कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं।
कुछ नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाली। इतना ही हुआ कि महेश अय्यर का जो गुरूर चलता था महापालिका में, वो मेरे को ही नहीं, मैंने ये जो उसने बोला ठोक दूंगा, ऐसे कम से कम 4 एमसीओ को बोला ठोक दूंगा, वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को बोलता ठोक दूंगा, पूछो बोरसे को जाके, पूछो जाधव को जाके, तेरे को क्या गाली दी और क्या बोला है। बेचारे डर के मारे बोलते नहीं है, पर ऐसा है, ऐसे छलकपट करता है कि आदमी पागल हो जाता है। ये ऑफिसर्स रात को आते हमारे पास रोते हैं कि साहब क्या करें, हम भी कुछ नहीं कर पाते, हमारी हाँ हम सर ना तो सत्ता में ना हमारी कोई सुनता है, फिर ये ऐसा होता है। सिट के घर वालों के बारे में बोलोगे गोली मारेंगे ठोक देंगे, मेरी बात अलग है, मैं सहन कर लेता हूं, पर कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए रहते, ऐसा कार्यकर्ता हमारे खास करके हमारे राष्ट्रवादी में कार्यकर्ता और हमारा रिश्ता ऐसा कोई कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं, हम मैं हमेशा भाई बहन के जैसा ही रिश्ता रखता हूं। कार्यकर्ता घर के बाहर खड़े रहे, ऐसा मेरे घर में कभी नहीं होता। हालांकि पुलिस ने मेरे को बोला है, ये पुलिस ने नहीं, बड़े पुलिस ने, कि तुम घर का दरवाजा जो खुला रखते हो और अंदर आके मेरे को बोलते हो कि कोई भी आके बैठो, तुम ऐसा मत करो, कोई भी कुछ भी अंदर डाल के जाएगा, हो सकता है कैमरा हो सकता है ऑडियो ये हो, वो तो क्या मालूम कौन बैठा है, तुम ऐसे सामने बैठते हो, पुलिस ने ही नजदीक ले दी, किसी ने भी वो निकाला रिवॉल्वर मार दिया तो क्या करोगे। अच्छा मेरा आपने देखा है मैं मुमरा में कैसा घूमता हूँ, मेरे को मुझे अपनापन लगता है, भाई मुमरा में अपने लोग हैं, कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से आप पर मुसलसल 3 एफआईआर हो गए, इसकी वजह क्या है? ऐसा है कि उनको जो सबसे गंदा एफआईआर उन्होंने किया वो था मंसूर छोटा, जिससे आज भी मैं व्यथित होता हूँ। ये एफआईआर भी फियर की मेरे को कोई उसका कोई मुझे ना तो डर है ना दर्द है, लेकिन वो 356 लगा उसका आज भी मुझे दर्द है कि मुमरा में कोई ऐसी औरत आप बता दो वो बोलेगी कि जितेंद्र आवाड़ ने सर उठा के मेरे ऊपर मेरी तरफ देखा है। ये कोई साजिश है या अभी जो समझो देखो ऐसा है, जो मेरे को पहचानता है जानता है जितेंद्र आवाड़ बहुत निचली स्तर से यहाँ आया, पोस्टर लगाने से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से बिना टिकट की गाड़ी पकड़ के मोर्चे में जाने से, तो डर तो ऐसा है जितना डराओगे उतना डर मर जाता है, डर का भय ही निकल जाता है। क्या करेंगे, दो चार दिन अंदर डाल देंगे, 10 दिन अंदर डाल देंगे, 14 दिन अंदर डाल देंगे और फिर जेल कस्टडी हो जाएगी, तो जेल में रहेंगे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। अभी मन की सबकी तैयारी हो गई है और पूरे महाराष्ट्र को दिख रहा है कि जितेंद्र आवाड़ को टारगेट किया जा रहा है, वो क्यों कर रहे हैं खुदा जाने। आप